Hey guys, once again welcome back to my YouTube channel Medicure Buddy. In today's video we will be discussing a very important topic from gynecology and that is menopause. Friends, menopausal syndrome कई बार examination में long answer type question में पूछा गया है, 20 marks question में ये पूछा जाता है. That is why I thought of discussing this important topic with you all. Friends, अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के वीडियो अपने साथ शेयर करूं आपके साथ, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आप मेडिक्योर बॉडी के अपकमिंग अपडेट्स मिस ना करो. नाउ फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन एंड डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ मेनोपॉज, की मेनोपॉज की डेफिनेशन क्या होती है. सो मेनोपॉज मीन्स परमानेंट सेसेशन ऑफ मेंसेस एट द एंड ऑफ रिप्रोडक्टिव लाइफ ड्यू टू लॉस ऑफ ओवेरियन फॉलिकुलर एक्टिविटी. It is the point of time when the last and final menstruation occurs. So menopause क्या है? ये permanent cessation होता है menses का, जिसके बाद जो menses होते हैं वो cease हो जाते हैं, menstrual cycle नहीं होती है. ये end होता है reproductive life का. क्यों होता है? क्योंकि जो ovarian follicles होते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ovarian follicles limited होते हैं और उनकी activity भी खत्म हो जाती है ovarian follicles के लॉस की वजह से. सो दिस इज द टाइम वेयर लास्ट एंड फाइनल मेंस्ट्रुएशन अकर्स. सो मेनोपॉज इज बेसिकली द टाइम जहां पर परमानेंट सेसेशन हो जाता है मेंसेस का. नाउ हियर इट हैज बीन मेंशनड दैट स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन दैट इज एमेनोरिया फॉर 12 कॉन्सिक्यूटिव मंथ्स विदाउट एनी अदर पैथोलॉजी. अगर 12 महीनों तक एमेनोरिया की प्रॉब्लम रही, दैट मींस मेंसेस नहीं आए, तो इस कंडीशन को हम मेनोपॉज कंसीडर कर लेते हैं. इसमें हमें क्या देखने को मिलता है? जो हार्मोन होता है FSH, वो हमें एलिवेटेड देखने को मिलता है. सो FSH का लेवल यहाँ पर एलिवेट हो जाता है किस कंडीशन में? मेनोपॉज में. मूविंग ऑन, थिनर वुमेन हैव अर्ली मेनोपॉज. ऐसी वुमेन जो बहुत ज्यादा वीक होती हैं, पतली होती हैं, उनमें जो मेनोपॉज होता है वो पहले आ जाता है. सिगरेट स्मोकिंग एंड सीवियर मैल न्यूट्रिशन. सीवियर मैल न्यूट्रिशन दैट मीन्स कई बार जो पुअर पीपल होते हैं, जो पुअर बैकग्राउंड को बिलोंग करते हैं, उनकी डाइट में प्रॉपर अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं, जिसकी वजह से सीवियर मैल न्यूट्रिशन हमें देखने को मिलेगा. और ऐसे फीमेल्स में हमें मेंसेस या फिर मेनोपॉज जो है उनका सीजेशन बहुत पहले देखने को मिल जाता है. मूविंग ऑन, सिगरेट स्मोकिंग इज ऑल्सो अ फैक्टर जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है अर्ली मेनोपॉज के लिए. मूविंग ऑन एज, 45 से 55 ईयर्स, 45 टू 55 ईयर, अगर हम एवरेज की बात करें तो 47 ईयर्स में हमें मेनोपॉज ज्यादातर फीमेल में देखने को मिल जाता है. नाउ दैट यू हैव अंडरस्टूड कि वो कौन से फैक्टर्स होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं मेनोपॉज के लिए, चलिए हम डिस्कस करते हैं कि क्या क्या एंडोक्राइनल ट्रांजिशन हमें देखने को मिलते हैं, जो हॉर्मोन्स हैं उनमें क्या ट्रांजिशन मिलेंगे ड्यूरिंग मेनोपॉज. सो ईस्ट्रोन का लेवल जो होता है वो ईस्ट्राडायोल से कम हो जाता है. जो यूजुअली जो E2 का लेवल होता है, दैट मीन्स ईस्ट्राडायोल इज मोर देन E1, बट एंडोक्राइनल ट्रांजिशन जब मेनोपॉज का होता है तो सीरम लेवल ऑफ ईस्ट्रोन जो होता है E1, वो क्या हो जाता है? E1 बढ़ जाता है E2 से. मूविंग ऑन, द नेक्स्ट पॉइंट इज डिक्रीज लेवल ऑफ ईस्ट्राडायोल विच वी हैव ऑलरेडी सीन. ऑर्गन चेंजेस भी हमें कुछ देखने को मिलते हैं. नाउ फ्रेंड्स, हम सबको पता है दैट मेनोपॉज में अगर कोई फीमेल चली गई और वो उसकी जो रिप्रोडक्टिव लाइफ है वो खत्म हो चुकी है, तो उसके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं वो भी कहीं ना कहीं डीजेनरेशन, श्रिंकेज, उनमें जो उसका रेशियो होता है, जो उसकी साइज होती है, वो सब कहीं ना कहीं कम होने लगती है. सो हम अब उन सारे चेंजेस देखेंगे जो कि ऑर्गन्स में इफेक्ट होते हैं या फिर ऑर्गन्स में हमें देखने को मिलते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हियर इट हैज बीन मेंशनड दैट ओवरी में क्या होगा, ओवरीज जो होती है वो श्रिंक कर जाती हैं, उनमें हमें रिंकल्स देखने को मिलते हैं और इसका जो कॉर्टेक्स होता है उसमें थिननेस आ जाती है ड्यू टू लैक ऑफ फॉलिकल्स. मूविंग ऑन, अगर हम फैलोपियन ट्यूब की बात करें तो फैलोपियन ट्यूब में हो जाती है एट्रोफी.
डीजनरेशन होने लगता है और जो सीलियाज होते हैं वो डिसअपियर करने लगते हैं, दैट मीन्स सीलिया जो होते हैं वो गायब हो जाते हैं। मूविंग ऑन द नेक्स्ट पॉइंट इज यूटेरस, कि यूटरस में क्या दिक्कत मिलेगी। सो जो यूटरस होता है वो स्मॉल हो जाता है और जो बॉडी और सर्विक्स का रेशियो होता है दैट रिवर्स टू 1:1, जो बॉडी और सर्विक्स का रेशियो होता है वो 1:1 वापस हो जाता है। मूविंग ऑन, अगर हम मेंस्ट्रुअल चेंजेस की बात करें तो पेशेंट में हमें अबनॉर्मल यूटराइन ब्लीडिंग, AUB रिप्रेजेंट्स अबनॉर्मल यूटराइन ब्लीडिंग, हमें देखने को मिलती है। वेजाइना जो होती है वो नैरोअर हो जाती है। वल्वा शोज फीचर्स ऑफ एट्रोफी, यहाँ पर भी हमें एट्रोफी देखने को मिलती है। सो फ्रेंड्स, आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि यहाँ पे जितने भी ऑर्गन्स हैं उनमें कहीं ना कहीं एट्रोफिक चेंजेस, श्रिंकेज या फिर रिंकलिंग, डिसअपियरेंस, ये सारी चीजें हमें देखने को मिल रही हैं। नाउ फ्रेंड्स, लेट्स मूव ऑन एंड डिस्कस द बोन मेटाबॉलिज्म, कि मेनोपॉज के बाद जो बोन्स हैं उसमें किस तरीके से डिफरेंस आने लगता है। सो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो बोन मास होता है वो 3-5% पर ईयर कम होने लगता है, और इसके पीछे जो रीजन रिस्पॉन्सिबल है वो क्या है। रीजन जो रिस्पॉन्सिबल है वो है डेफिशियंसी ऑफ एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन की कमी होने की वजह से ऐसा हो सकता है। मूविंग ऑन, जो बोन मिनरल डेंसिटी है वो भी कम हो जाती है, और इसका रेशियो जो स्कोर होता है, टी स्कोर, जिससे हम ये पता करते हैं, जो रिप्रेजेंट करता है ऑस्टियोपोरोसिस को, वो बिलो चला जाता है कैसे, 2.5 से। मूविंग ऑन, आगे यहाँ पर मेंशन किया गया है रिस्क ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज हाई हो जाती है पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन में, और इसके पीछे भी जो भी कारण रिस्पॉन्सिबल है दैट इज डेफिशिएंसी ऑफ एस्ट्रोजन, ईस्ट्रोजन की कमी होने की वजह से ज्यादातर ऐसा देखने को मिलता है। ऑल्सो जो पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन्स होती हैं उनमें हमें डिमेंशिया की प्रॉब्लम भी देखने को मिलती है। नाउ फ्रेंड्स, दैट वी हैव डिस्कस्ड कि क्या क्या हमें चेंजेस मिलेंगे एक फीमेल में जो कि मेनोपॉज से सफर कर रही है, अब हम देखते हैं कि हम डायग्नोसिस कैसे करेंगे। तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया हुआ है कि जब मेंसेस का सिजेशन हो जाता है फॉर 12 कॉन्सिक्यूटिव मंथ्स तो हम उसे मेनोपॉज कहते हैं। एवरेज एज 50 ईयर्स या फिर ऑलमोस्ट 47 ईयर्स के आसपास होती है। अपियरेंस क्या होते हैं, हॉट फ्लैशेस होंगे, दैट मीन्स अचानक से जो फीमेल होती है उसको बहुत ज्यादा गर्मी लगने लगती है, नाइट स्वेट्स की प्रॉब्लम होती है। सीरम ईस्ट्राडायोल का लेवल जो हमने बताया था आपको ऑलरेडी, दैट ईस्ट्राडायोल का लेवल E2 क्या हो जाता है, कम हो जाता है E1 से। सीरम FSH और LH में FSH का लेवल बढ़ जा रहा था, मैंने आपको बताया था। नाउ लेट्स मूव ऑन एंड डिस्कस द मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं, हम नॉन हार्मोनल ट्रीटमेंट देते हैं। यहाँ पर नॉन हार्मोनल ट्रीटमेंट में क्या क्या ट्रीटमेंट यूज होते हैं, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करते हैं हम लोग, फीमेल को बोलते हैं लाइफस्टाइल अपनी मॉडिफाई करने के लिए, न्यूट्रिशियस डाइट लेने के लिए, कैल्शियम और विटामिन डी का हम सप्लीमेंटेशन करते हैं, क्योंकि जो फीमेल है उसको अपनी बोन्स को स्ट्रांग बना के रखने के लिए ये चीजें जरूरी होती है। ऑल्सो हम कुछ एक्सरसाइजेस उसे प्रेस्क्राइब करते हैं या फिर कुछ एक्सरसाइज उसके साथ शेयर करते हैं जो उसे रेगुलरली करनी चाहिए ड्यूरिंग मेनोपॉज। सो फ्रेंड्स, दिस वॉज ऑल अबाउट अ ब्रीफ डिस्कशन ऑफ मेनोपॉज फ्रॉम माई साइड, जिसमें हमने डेफिनेशन देखी, हमने कॉजेस देखे कि किन वजह से मेनोपॉज हो रहा है, और हमने फिर चेंजेस देखे फीमेल की बॉडी में क्या क्या आ रहे हैं ड्यूरिंग मेनोपॉज, हम उसकी डायग्नोसिस कैसे करेंगे, मैनेजमेंट कैसे करेंगे। सो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज सेशन, आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही और वीडियोस एक्सप्लेन करूं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज प्लीज प्लीज, सो दैट वी हिट 600 सब्सक्राइबर्स एज सून एज पॉसिबल। एंड यस, प्लीज कीप सपोर्टिंग मेडिक्योर बॉडी। थैंक यू।